देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती 3 दिसंबर को मनाई जाती है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक गांव बिहार के सिवान जिला अंतर्गत जीरादेई प्रखंड मुख्यालय में स्थित है। स्थानीय लोग यहां आरोप लगाते रहे हैं कि जीरादेई हमेशा से उपेक्षाओं का शिकार होता रहा है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, साथ ही साथ देश की आजादी के बाद संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि 3 दिसंबर को जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई जाती है तो कुछ जिला मुख्यालय से अधिकारी आकर यहाँ मूर्ति पर माल्यार्पण कर चले जाते हैं। वहीं 3 दिसंबर के पहले इनके मकान का रंग रोगन कर दिया जाता है, फिर साल भर तक यहाँ कोई देखने तक नहीं आता। स्थानीय लोग हमेशा से ये मांग करते रहे हैं कि यहाँ इस स्थान को पर्यटन स्थल के स्तर में इसका विकास किया जाए, लेकिन लोगों की मांग को पूरा नहीं किया जा रहा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। सिवान से अरविंद कुमार सिंह की रिपोर्ट। संभाले हैं तब तक सरकार से हम लोग मांग करते रहे हैं और जो चीज मतलब कि राजेंद्र बाबू के राष्ट्रपति बनने के पहले का था, ये मकान भी उनके राष्ट्रपति बनने के पहले का है, उनके बाबा का बनवाया हुआ मकान है, हथुआ की रानी का बनवाया हुआ है, उनका बंगला है और उनके बड़े भाई का बनवाया हुआ ये कैंपस है। और राजेंद्र बाबू जब राष्ट्रपति बने तो पहली बार जब जीरादेई आना था तो ये जीरादेई स्टेशन से और यहाँ तक 4 किलोमीटर 12 फीट चौड़ा जो सड़क बना वो आज तक 12 फीट रह गया, पूरा देश का सड़क चौड़ा हो गया। और जैसे इतना महान जो उन्होंने काम किया अपनी देश की आज़ादी के लिए और देश के आज़ाद होने के बाद संविधान सभा के अध्यक्ष रहे, उसके बाद 12 साल राष्ट्रपति रहे, लेकिन उसके तुलना में जीरादेई में आज तक हुआ कुछ नहीं। सबसे हम लोग डिमांड करते रह गए, मांग करते रह गए, लेकिन जैसे नेहरू जी का है, महात्मा गांधी का है, अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, उस हिसाब से राजेंद्र बाबू के लिए यहाँ और जीरादेई के लिए या सिवान जिला के लिए कुछ नहीं हुआ है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।